Why did he run? Ball. Why please. Did he run? Because no. I just call him now. नशे में धुत रवि ने टंडन ने बुजुर्ग महिला को पीट दिया। ये पूरी घटना कल रात की है, जिसका वीडियो मोहनीश शेख नाम के सोशल एक्टिविस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना टंडन के ड्राइवर पर रिजवी कॉलेज के पास कार्टर रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और तीन लोगों को टक्कर मारने का आरोप है। और जब इस बारे में पूछा गया तो रवीना कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी कार से उतरी और पीड़ितों के साथ मारपीट करने लगी। वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां मौजूद लोग और पीड़ित बहुत गुस्से में हैं। लोग रवीना से कहते हैं कि तुम्हें आज रात जेल में बितानी पड़ेगी, मेरी नाक से खून बह रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मार उस साली को। Why did he run? Ball. Why did he run? Because no. Call him now. My lord has assaulted me. Your driver has assaulted my mother. You have to spend your night in jail. Look at my lord. You have assaulted. Anip. पीड़ित ने अपने बयान में कहा है कि मेरी माँ को बहुत बुरी तरह मारा गया है। जब हमने विरोध किया तो ड्राइवर बकवास करने लगा। कार में रवीना टंडन भी मौजूद थी, वो भी कार से उतरी और हमसे बहस करने लगी। वो पूरी तरह से नशे में थी और उन्होंने मेरी माँ को पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज करने की बात सामने नहीं आई है। मीडिया में भी ये खबर कहीं नहीं चलाई जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं बांद्रा में रहता हूँ। मेरी माँ बहन भांजी सब लोग गए थे, रिश्ते के लिए गए थे कहीं पे। वहाँ से आ रहे थे, रवीना टंडन के घर के पास से आ रहे थे, तो उसके ड्राइवर ने मेरी माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। उसके बाद जब उसको कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बाहर निकल के मेरी भांजी को असॉल्ट किया, बहुत मारा, मेरी माँ को मारा। उसके बाद रवीना टंडन बाहर निकल के दारू के नशे में आके मेरी माँ को मारी है। मेरे माँ का पूरा सर फट गया, मेरी भांजी का सर फट गया। और हम यहाँ 4 घंटे से खार पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा कोई केस नहीं कोई ले रहा है, समझे ना। उल्टा बोल रहे हैं कि जो है ना हम आके मांडवली कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। हम मांडवली कैसे करेंगे? हमारी माँ के साथ हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए।